ओके देखिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं थायराइड हार्मोन्स, उनके देयर इनहिबिटर्स एंड एनालॉग्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपके एग्जामिनेशन से जितने क्वेश्चन बनते हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट उतने प्रकार का मेरा सेशन होगा। अब जैसे एक जो क्वेश्चन बनता है वो आता है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करिए, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन में बेसिकली सिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। देखिए बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि जो थायराइड ग्लैंड है बेसिकली वो तीन प्रकार के हार्मोन को रिलीज करती है, जिसमें से दो हार्मोन जिनका नाम है T3 एंड T4, जिनकी एग्जैक्टली हम रिलीज मैकेनिज्म और सारा कुछ एंटी थायराइड ड्रग्स में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली जो थर्ड हार्मोन है कैल्सीटोनिन, चूंकि उसका इन्वॉल्वमेंट कैल्सियम के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में है, तो हार्मोन रिलेटिंग प्लाज्मा कैल्सियम लेवल में उसको सेलवस में अलग से पढ़ेंगे हम। तो बेसिकली यहाँ पे हमको T3 और T4 पे कंसंट्रेट करना है। अब बात आती है कि T3 एंड T4 किस सेल से थायराइड ग्लैंड के निकलते हैं एंड कैल्सीटोनिन किस सेल से निकलता है। तो बेसिकली बच्चों, जो T3 एंड T4 है वो थायराइड ग्लैंड की फॉलिकुलर सेल से निकलता है। किससे निकलता है? फॉलिकुलर सेल से। देखिए जो चीजें मैंने यहां लिख रखी, लाइक कितने हार्मोन होते हैं थायराइड ग्लैंड में, थ्री हार्मोन्स, एंड T4 एंड T3 बोथ आर रिलीज फ्रॉम फॉलिकुलर सेल एंड द कैल्सिटोनिन रिलीज फ्रॉम इंटरफॉलिकुलर सी सेल। किससे रिलीज होता है? इंटरफॉलिकुलर सी सेल से। एक ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए बच्चों, बात आती है कि ये जो T3 एंड T4 है इसका केमिकल नेम क्या है। तो T3 का जो केमिकल नेम है 3,5,3- ट्राईआयोडो थायरोनिन, इट्स नॉट टायरोसिन, इट्स थायरोनिन। तो ये डिफरेंस कहां से आया, कब आपने टायरोसिन से थायरोनिन बोल दिया? तो बेसिकली T4 का होता है 3,5,3-5- थायरोनिन, टेट्राइडो थायरोनिन। तो बेसिकली ये जो बच्चों, जब थायरोनिन हम किसको बोलते हैं, जब दो मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन, कितने? दो मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन का बेसिकली होता है क्या, कंडेंसेशन, तो वो क्या बनाते हैं? थायरोनिन। और जब दो मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन का कंडेंसेशन होगा, थायरोनिन बनाएंगे, तो उसकी डिफरेंट पोजीशन पे, डिपेंडिंग ऑन, अगर इस और इस पोजीशन पे आयोडीन अटैच होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइआयोडो थायरोनिन, और जब इस पोजीशन पे आयोडीन अटैच होगी देन टेट्राआयोडो थायरोनिन। सो दिस इज सिंपल कि दिस इज T4 इज टेट्राआयोडो थायरोनिन, T3 इज ट्राइआयोडो थायरोनिन। T3 का और दूसरा नाम लियोआयोडो थायरोनिन होता है, लियोआयोडो थायरोनिन, LEO, तो लियोआयोडो थायरोनिन होता है, जबकि T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं। तो आपको ये चीज मेंशन करनी होगी कि T4 को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन, राइट, और T3 को हम बोलते हैं लियो थायरोनिन, राइट। तो ये बात हो गई। अब आती है इसकी बेसिकली रिलीज, स्टोरेज रिलीज एंड अपटेक मैकेनिज्म। देखिए थायराइड ग्लैंड में आपकी जो फॉलिकुलर सेल है वहां पे हमने देख लिया कि T3 एंड T4 सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर है ये आपका किसका है, फॉलिकुलर सेल का है। अब इस फॉलिकुलर सेल की स्टार्टिंग देखिए क्या है, वैसे तो यहां पॉइंट लिखा हुआ है 1, 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो ओवरऑल देखिए हो क्या रहा है, सबसे पहले स्टेप में हो रही है आयोडाइड आयन की क्या, ट्रैपिंग। लेकिन आयोडाइड आयन की ट्रैपिंग किस सिंपोर्टर के थ्रू हो रही है, दिस इज सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर। दिस इज द फॉलिकुलर सेल एंड इन द सर्फेस ऑफ द फॉलिकुलर सेल देयर इज अ सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर, दिस इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दिस टेक्स द आयोडाइड आयन एंड थ्रू इट इन साइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल एंड अक्रॉस। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, मीन्स जो आपका बेसिकली सिंथेसिस की हम बात कर रहे हैं T3 और T4 की, सबसे पहला स्टेप है आयोडाइड अपटेक। तो आपने आयोडाइड अपटेक में देखा कि आयोडाइड अपटेक में बेसिकली फॉलिकुलर सेल के सरफेस पे देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सिंपोर्टर कॉल्ड सोडियम आयोडाइड सिंपोर्टर व्हिच इज एन एक्टिव ट्रांसपोर्टर, और यू कैन से द एक्टिव सिंपोर्टर। दिस हेल्प्स
इन द अपटेक ऑफ आयोडाइड आयन, या जो आप ये कह लो कि आयोडाइड आयन की कंसंट्रेटिंग मैकेनिज्म जो होती है वो कि सिर्फ किस सेल में होती है, फॉलिकुलर सेल में होती है, जो कि एक्टिवली ब्लड प्लाज्मा से आयोडाइड आयन को लेके फॉलिकुलर सेल के अंदर डाल देता है। इस सिंपोर्टर की जो वर्किंग है वो इन्फ्लुएंस करता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जितना ज्यादा होगा, वर्किंग ऑफ सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट विल बी मोर, मतलब TSH उसकी वर्किंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। तो आप पहले स्टेप में यही लिखेंगे कि आयोडाइड अपटेक में सोडियम आयोडाइड सिंपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड, और यू कैन से द एक्टिवेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, डोमिनेंटली वर्क अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ इन द सेकेंड स्टेप, इन दिस सेकेंड स्टेप द आयोडाइड आयन विच इज इन साइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल नाउ इज कम अक्रॉस दिस फॉलिकुलर सेल अप टू हियर, यहां तक बेसिकली ये जो आयोडाइड आयन आया दिस, ये किसकी अनदर ट्रांसपोर्टर की हेल्प से एंड कॉल्ड पेंड्रिन। दिस ग्रीन कलर ट्रांसपोर्टर इज पेंड्रिन। नाउ दिस पेंड्रिन विल टेक द आयोडाइड आयन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द फॉलिकुलर सेल एंड थ्रो इट आउटसाइड ऑफ द एपिकल मेम्ब्रेन हियर। नाउ दिस आयोडाइड आयन सेकेंड स्टेप इज ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन, ऑक्सीडेशन एंड आयोडिनेशन। नाउ दिस आई माइनस आयोडोनियम आयन ऑक्सीडाइज्ड, दिस ऑक्सीडेशन विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ टू थायराइड परोक्सीडेज एंड H2O2। आपको सारी चीजें अपनी इवेल्युएशन शीट में लिखनी है। दिस ऑक्सीडेशन ऑफ आई माइनस और यू कैन से द आयोडोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड, ये जो इसकी एपिकल मेम्ब्रेन है इससे अटैच्ड एंजाइम होगा थायराइड परोक्सीडेज अलोंग विद द H2O2, दिस आई माइनस विल ऑक्सीडाइज इनटू आई प्लस HOI और EOI। आयोडीनियम आयन हाइपो आयोडस एसिड, इसका आप लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट। अब ऑक्सीडाइज होके इतनी चीजें इस आई माइनस से बन गई। तो हमने यहां पे क्या देखा, इन शॉर्ट मैंने लिखा है कि एपिकल मेम्ब्रेन से उसकी क्या हुई, ट्रेवलिंग हुई विद द हेल्प ऑफ पेंड्रिन। मेम्ब्रेन बाउंड थायराइड परोक्सीडेज ने हेल्प किया इस रिएक्शन में, आयोडीनियम आयन बना, ये आयोडाइड है, ये आयोडीनियम आयन है, ये हाइपोआयोडस एसिड बना, एंजाइम लिंक्ड हाइपोआयोडेट बना। एंड अब क्या होने वाला है, दिस आयोडोनियम आयन अटैच टू द थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कहां से बनते हैं, फॉलिकुलर सेल के अंदर से, और वो जब इस जगह पे होते हैं, इस स्पेस पे थायराइड थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, तो थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने से किसको अटैच कर ले, आयोडाइड को। तो बेसिकली ये दो फॉर्मेट में अटैच करते हैं, मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन। तो मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन, इसमें जो बेसिकली आई जो आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, वो बेसिकली कहां से आ रहा है, इधर से। तो नाउ दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल अलाउ द बाइंडिंग ऑफ MIT मोनो आयोडोटायरोसिन सिंगल आयोडीन को एंड डाई आयोडोटायरोसिन दो आयोडीन को। सो दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल अटैच MIT एंड DIT। नाउ इन द सेकेंड स्टेप, अब सेकेंड थर्ड स्टेप विल बी कपलिंग। कपलिंग में बेसिकली क्या होने वाला है, कपलिंग में देखिए यहां पे बेसिकली कपलिंग में नाउ दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच हैज MIT एंड DIT, जिसमें MIT एंड DIT है, ये बेसिकली दूसरे किसी थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल के साथ जिसमें भी MIT DIT है, तो अब होगा क्या है, मोनो आयोडोटायरोसिन एंड डाई आयोडोटायरोसिन में बेसिकली जब कपलिंग में आपका MIT मोनो आयोडोटायरोसिन जब किससे मिलेगा, डाई आयोडोटायरोसिन से, तो दो और एक कितना बन जाएगा, थ्री, मतलब T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, और जब DIT किससे मिलेगा, DIT से, तब बेसिकली बन जाएगा आपका T4, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राएडोथायरोनिन। तो यहां पे कपलिंग रिएक्शन होगा, अगेन
कपलिंग रिएक्शन में भी थायराइड परोक्सीडेज एंड H2O2 इन्वॉल्व होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कहां कहां पे H2O2 इन्वॉल्व हो रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि इस स्टेप में, इस वाले स्टेप में, इस स्टेप में कोई एंजाइम यहां पे इन्वॉल्व नहीं है, राइट। लेकिन कपलिंग में इन्वॉल्व है एंड ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है। तो कपलिंग रिएक्शन में देयर विल बी द अटैचमेंट ऑफ द टू मॉलिक्यूल ऑफ थायरोग्लोबुलिन। व्हेन द थायरोग्लोबुलिन, जब एमआईटी वाला थायरोग्लोबुलिन डीआईटी से कंबाइंड होगा, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ T3, और जब डीआईटी डीआईटी कंबाइंड होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ T4। नाउ व्हाटएवर द T3 एंड T4 विल बी फॉर्मड, अब जो भी T3 T4 बना, दैट विल बी स्टोर्ड इन द कोलाइडल फॉर्म इन बिटवीन द टू फॉलिकल। तो टू फॉलिक थायराइड फॉलिकल के यहां पे कोलाइडल फॉर्म में ये स्टोर्ड होगा। और जब कभी इसकी रिक्वायरमेंट होगी, देखिए इस स्टेप में अब हमने देख लिया कपलिंग का स्टेप क्या था, अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमने थोड़ा सा देखा क्या स्टोरेज कोलाइडल फॉर्म में, रिलीज मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि बेसिकली जब कभी इनका रिलीज रिक्वायर्ड होता है T3 एंड T4 का, देन देयर विल बी अ एंडोसाइटोसिस मैकेनिज्म। व्हिच मैकेनिज्म? एंडोसाइटोसिस। नाउ दिस एंडोसाइटोसिस, थ्रू दिस एंडोसाइटोसिस, दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग डीआईटी एमआईटी एंड T3 एंड T4 विल बी अपटेकन इन द लाइसोसोम, एंड इन द लाइसोसोम दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल व्हिच हैज एमआईटी डीआईटी एंड T3 एंड T4 विल बी प्रोटियोलाइट इन विद द हेल्प ऑफ, यहां प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होंगे लाइसोसोम में, दे विल डिग्रेड दिस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे इनटू द T3 T4 एमआईटी एंड डीआईटी। ये जो एमआईटी डीआईटी बना, इसका डीआयोडीनेशन होगा, आप इसका पूरा नाम लिखेंगे यहां, डीआयोडीनेशन। सो ये एमआईटी एंड डीआईटी का डीआयोडीनेशन होगा, अगेन इससे क्या निकला I- जो कि फर्दर यूटिलाइज हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, ये जो T3 एंड T4 बने, T3 एज इट इज कहां पे चला गया, ब्लड स्ट्रीम में, और T4 भी एज इट इज कहां गया, ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में देयर विल बी 5-डी आयोडीनेशन। क्या होगा? 5-डी आयोडीनेशन, और क्या बन जाएगा? T3। 5-डी आयोडीनेशन का मतलब है कि इस पोजीशन पे जो आयोडीन था उसको रिमूव कर दिया जाएगा, तो 3-5-3- बचा, और ये देखिए 3-5-3- मतलब उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, T3 में। तो बेसिकली आप यहां से क्या बात समझ में आई कि ये स्टेप था पेरिफेरल कन्वर्जन। तो हमने स्टोरेज देखा, रिलीज मैकेनिज्म में हमने देख लिया किस तरह अपटेक हुआ और कैसे प्रोटियोलाइसिस रिलीज हुआ, और लास्ट में हमने देख लिया पेरिफेरल कन्वर्जन। तो पेरिफेरल कन्वर्जन बेसिकली आपका मेनली जो होता है, दैट इज स्पेशली होता लिवर एंड किडनी में, इसका T4 का पेरिफेरल कन्वर्जन होता है इन द T3 विद द हेल्प ऑफ 5-डी आयोडीनेशन। तो ये इसका बिल्कुल नॉर्मल सी मैकेनिज्म है और एग्जामिनेशन में जरूर कई बार पूछी जाती है। T3 एंड T4 में आपको ये चीज भी याद रखनी है कि बेसिकली जो मोर पोटेंसी जिसकी ज्यादा है वो T3 की ज्यादा है, हाई जो पोटेंसी रखता है थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 का अगर कंपेयर करें तो T3 की पोटेंसी ज्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। दूसरा जो मेजर सर्कुलेटिंग हार्मोन है ब्लड में वो है आपका कौन सा, T4। मेजर जो वॉल्यूम ऑफ द ऑक्युपाई करता है वो होता है T4, जबकि हाई पोटेंसी किसकी है, T3 की। T4 को हम थायरोक्सिन बोलते हैं, जबकि T3 को हम लियोथायरोनिन बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट ऑफ सिंथेसिस स्टोरेज एंड रिलीज मैकेनिज्म ऑफ थायराइड हार्मोन। थैंक यू वेरी मच।